मैं ईटीवी भारत की तरफ से रीजनल न्यूज कोऑर्डिनेटर गीतेश्वर प्रसाद सिंह, आज दामोदर वैली कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री राम नरेश सिंह जी का स्वागत करता हूं। सिंह साहब का एक संक्षिप्त परिचय बताऊं तो जनवरी 2021 में आपने डीवीसी का चार्ज लिया। इससे पहले आप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। आपने बीआईटी सिंदरी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों में आपकी दक्षता मानी जाती है। स्वागत है सिंह साहब ईटीवी भारत में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपसे साक्षात्कार करने का मौका मिल रहा है और आपके साक्षात्कार के द्वारा आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। और मेरे लिए सौभाग्य है आज हम आपसे बात कर रहे हैं। सर, आपसे कुछ सवाल के माध्यम से हम अपने पाठकों को डीवीसी के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहला एक आरोप से अपने प्रश्न की शुरुआत करता हूं। कहा जाता है कि डीवीसी पश्चिम बंगाल पे ज्यादा मेहरबान है। झारखंड के सर्वाधिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के बावजूद कहीं ना कहीं उसको कम तरजीह दी जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई नहीं है। कारण यह कि अगर आप देखेंगे तो जो दामोदर घाटी निगम का जो क्षेत्र है वो दोनों राज्यों में अवस्थित है, झारखंड में भी है और बंगाल में भी है। आप हम जो बिजली उत्पादन में लगे हुए हैं तो हमारे तीन प्लांट झारखंड के अंदर हैं, कोडरमा है, बोकारो है, चंद्रपुरा है, और बाकी ट्रांसमिशन का नेटवर्क जो भी आप देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम किसी एक राज्य को तरजीह दे रहे हैं और एक राज्य की किसी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसी बात ही नहीं है। वो दोनों जो है हमारा कार्यस्थली है, दोनों हमारे लिए समान है और हम दोनों जगह जो है अपनी भूमिका समान रूप से संपादित कर रहे हैं। जी सर, झारखंड का मुख्यालय, झारखंड में डीवीसी का मुख्यालय लाने की मांग चल रही है, क्या यह संभव है? आज के परिस्थिति में मैं इस पर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं समझूंगा। मेरे लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न न पूछा जाए तो अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल कहीं कोई बात नहीं है, न कोई चर्चा है इस पर। अच्छा, दामोदर वैली परियोजना सर स्वतंत्र भारत की पहली घोषणाओं में शामिल थी, 75 साल पूरे होने को हैं। इस डायमंड जुबली वर्ष में इसकी दशा दिशा क्या होगी, थोड़ा सा विस्तार से इसको बताइए। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी कुछ दिन पहले ही 7 जुलाई 2022 को हम लोगों ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है और जिसमें कि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मंत्री श्री आर के सिंह साहब भी उपस्थित थे। और ये जान के आपको खुशी होगी, आप जानते हैं पत्रकार बंधु कि बहुत 75 साल कोई सरकारी संस्था अपने वजूद को बरकरार रख ले ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और दामोदर घाटी निगम ने उस माइलस्टोन को प्राप्त किया। निस्संदेह बीच में बहुत सारी परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल बनी, लेकिन सब झंझावातों को झेलते हुए दामोदर घाटी निगम आज अपना कार्य भलीभांति कर रहा है। और आपको खुशी होगी कि पिछले वर्ष 2021-22 में चाहे वह किसी भी क्षेत्र की बात हो, थर्मल एनर्जी में जनरेशन की बात हो, हाइडल की बात हो, ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी की बात हो, हमने सभी चीजों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और हमारा 2020-21 और 21-22 का साल जो है वो टर्न अराउंड वर्ष के रूप में हम उसको याद हम लोग करेंगे, जब कुछ कतिपय कारणों से विगत कुछ वर्षों से दामोदर घाटी निगम जो घाटे में चल रहा था 2020-21-22 में हमने टर्न अराउंड किया और अभी हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुके हैं और हमारा रेवेन्यू भी काफी बढ़ा है। आप अगर बात करें तो जो 18,000 करोड़ पिछले वर्ष का और इस वर्ष के रेवेन्यू में करीब करीब 22,000 करोड़, तो करीब 10% से ज्यादा की वृद्धि है, 15% के आसपास हम लोगों ने रेवेन्यू भी बढ़ाया, प्रॉफिट भी हमारा बढ़ाया है तो, और जेनरेशन भी काफी। आप पीएलएफ की बात करेंगे जो पीएलएफ नेशनल लेवल पे पिछले साल 21-22 में हमारा पीएलएफ करीब करीब 69% था, जो नेशनल लेवल 62% से 7% ज्यादा, और इस साल अभी तक का इस वित्तीय वर्ष में हमारा पीएलएफ करीब करीब 75% है। तो
हर क्षेत्र में हम लोगों ने अच्छा काम किया है और उसका प्रदर्शन भी किया है, तो काफी और फ्यूचर एक्सपेंशन का काफी जो है वो हमको काम मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी हमारा फोकस जो है सबसे पहले अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का है, और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इसके ऊपर अभियान और ये कार्यक्रम बनाया है, जिसके तहत 2030 तक हमारी जो आज की जो उत्पादन क्षमता है करीबन 6,540 मेगावाट की, और 147 मेगावाट अगर आप उसमें हाइडल जोड़ देंगे तो कुल 6,700 मेगावाट के आसपास जो क्षमता है उसको हम लोग करीब करीब 14,000-15,000 मेगावाट 2030-31 तक हम इसको बनाने का हमारा लक्ष्य। सर, आपने जो एक्सपेंशन की बात की, तो क्या जो आपकी यूनिटें चल रही हैं उसमें यूनिट एक्सपेंशन का है या नई जगह प्रोजेक्ट लगाने का है? मैं एक्चुअली दो तीन तरह से हमारा एक्सपेंशन प्लान है। एक एक्सपेंशन प्लान है कि जो हमारे थर्मल यूनिट जहां चल रहे हैं और जहां पर कभी पास्ट में एक्सपेंशन प्लान की परिकल्पना की गई थी और उसके तहत जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है, हमारे पास लैंड अवेलेबल है, बट इसी कारण से परियोजना का एक्सपेंशन नहीं हो पाया, विस्तार नहीं हो पाया, तो हम उसको विस्तार दे रहे हैं। उसमें हम थर्मल भी जोड़ रहे हैं, तो थर्मल करीब करीब 4,500 मेगावाट जोड़ने की हमारी योजना है, जो हमारे प्लांट है। ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा जहां की हमारे पास लैंड उपलब्ध है, पानी की सुविधा है, सारी चीजें हैं, रेल कनेक्टिविटी है, तो उन सब जगहों पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे थर्मल कैपेसिटी। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा अभियान है, आप जानते हैं कि रिन्यूएबल के क्षेत्र में एनर्जी ट्रांजिशन का युग है और पूरा देश जो है एनर्जी ट्रांजिशन की ओर अग्रसर है, और 500 गीगावाट का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2030 तक, तो उसमें हम लोग भी अपनी सक्रिय भागीदारी देना चाहते हैं, और उसके क्रम में हमने करीब करीब 2000 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करने का अपना एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें आप जानते हैं दामोदर घाटी के पास आज के डेट में 4 बड़े बड़े डैम है हमारे पास। जी जी जी। तो उनका जो वाटर बॉडीज है उसको यूज करके हम उसमें फ्लोटिंग सोलर लगाने जा रहे हैं। इसके अलावे जहां जहां हमारे पास जमीन उपलब्ध है तो उस उन जमीन पर भी हम ग्राउंड माउंटेड सोलर लगा के, तो करीबन 2000 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता जो है रिन्यूएबल एनर्जी की आएगी। इसके अलावे आप जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है स्टोरेज का, क्योंकि जब तक हम स्टोरेज का निर्माण नहीं करते हैं तब तक हम 24/7 पावर की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है स्टोरेज के ऊपर, चाहे वो बैटरी स्टोरेज हो या पंप स्टोरेज हो, तो पंप स्टोरेज भी दो प्लांट हमको हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक हमारा लुगू पहाड़ है बोकारो जिला के अंतर्गत, जी जी, उसमें करीब 1500 मेगावाट की क्षमता होगी, और दूसरा हमारा जो पंचेत हिल है, पंचेत में हमारा एक हाइडल भी है और वहाँ डैम भी है, जी जी जी, उसका जो है लोअर रिजर्वायर हमारे पास है, अपर रिजर्वायर बना के वहां भी करीब करीब 600 मेगावाट की क्षमता का पंप स्टोरेज प्लांट, तो 2100 मेगावाट पंप स्टोरेज प्लांट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर, ये सोलर एनर्जी का आपका फ्यूचर प्लान है अभी? हाँ, मैंने उस पर काम शुरू हो गया है, कुछ ग्राउंड माउंटेड छोटे स्तर पर हम लोगों ने टेंडर वगैरह भी चालू कर दिया है दो तरह से, जो कोडरमा में कुछ हम एक छोटा प्लांट लगाने जा रहे हैं 10 मेगावाट का, उसका टेंडर फाइनल हो रहा है, अवार्ड होने की स्थिति में है। इसके अलावे जो हमारे रिजर्व प्लांट के अंदर भी पानी रखने के लिए हम रिजर्वायर बनाते हैं, जी जी, उस रिजर्वायर के ऊपर भी कुल 30 मेगावाट की क्षमता का वहां भी फ्लोटिंग लगेगा, उसका टेंडर सेकी के द्वारा हो रहा है, सेकी ने ऑलरेडी टेंडर फ्लोट कर दिया है, तो उस पे काम हो रहा है। और जो डैम में जो हमारा लगेगा
फ्लोटिंग सोलर, उसका भी डीपीआर वो अप्रूवल जो है एमएनआरई के द्वारा मिल गया है। डीपीआर हम लोगों ने सबमिट कर दिया है, उसके लिए हमने दो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ और एसजेवीएनएल के साथ ज्वाइंट वेंचर भी बना लिया है, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो अगले एकाध साल के अंदर सभी अवार्ड हो जाएंगे प्रोजेक्ट। सर तो, ये जो आपके नए प्रोजेक्ट है इसमें रोजगार की, नए रोजगार की भी संभावनाएं बनेंगी? जरूर बनेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा। अब सर लगभग कितने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो चलिए काफी होता है, लेकिन डायरेक्ट रोजगार कितना मिल जाएगा इसमें लोगों को? डायरेक्ट रोजगार में क्या है कि हम लोग इसी साल से हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट बंद था, लेकिन चूंकि हमारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट आ रहे हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट, तो हमने रिक्रूटमेंट चालू कर दिया है। तो हमने जैसे अभी अगले साल भी हम 100, 125, 150 कम से कम इंजीनियर को बहाल करेंगे, कुछ डिप्लोमा होल्डर्स को बहाल करेंगे, तो ये हमारा लगातार चलते रहेगा, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट तो साल भर के अंदर नहीं आ जाएंगे। जी, मैंने आपको 2030-31 तक का दिया है, तो 2030-31 तक प्रतिवर्ष हम डायरेक्ट कुछ लोगों को, इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को रिक्रूट करेंगे। और इसके साथ साथ जहां ये प्रोजेक्ट लगेगा, तो प्रोजेक्ट जब लगेगा तो उसमें बहुत सारे मजदूर काम करेंगे, जी, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स काम करेंगे, जो हमारे जो एजेंसी होगी जो काम वहां पर जो ये निर्माण का काम करेंगे, तो उसमें निर्माण कार्य में भी बहुत सारे जो मजदूर हैं, बहुत सारे उसमें टेक्नीशियंस होंगे, इंजीनियर्स होंगे, जो दूसरे एजेंसीज के भी होंगे, वो लोग भी लगेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफी रोजगार का सृजन होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा इन सारी चीजों से, जब इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट आएगा। इतना सारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो करीब 50,000-60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक सवाल बार बार उठता है, आपने कहा कि आपके पास लैंड बैंक काफी है, लेकिन जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी, भुगतान में गड़बड़ी, इस तरह की कई बातें मीडिया में आती रहती है, इसका क्या स्थायी समाधान संभव है? देखिए, जमीन अधिग्रहण तो हम लोगों का बहुत पूर्व में हुआ है जी, अभी हाल में हम लोगों ने कोई जमीन अधिग्रहण नहीं किया है। जी जी, हमारे यहाँ एक चीज था कि जो जिनका जमीन डैम में या इस तरह की चीजों में चला गया, उनको जो विस्थापित हुए उनको रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोगों ने लैंड का अरेंजमेंट कर दिया है उनको। उसमें कुछ जो म्यूटेशन का सवाल है, जी जी, कहीं लैंड जो है ट्रांसफर नहीं हुआ उनके नाम पर, तो अभी हमने उसको राज्य सरकार, उसमें आपको पता है कि हमसे ज्यादा उसमें राज्य सरकार को मदद करनी है, बेशक बेशक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास है, हमने सारा रिकॉर्ड दे दिया। अब म्यूटेशन का काम जो है सर्किल ऑफिसर को और सर्किल के लेवल पे होता है, तो अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है हम लोगों ने उस पर काफी फोकस दिया है, और हमारा जो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट है, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि काफी जगह, जैसे मैं बताऊंगा तिलैया, हजारीबाग, कोडरमा, इवन मैथन, काफी जगह म्यूटेशन का काम जो है युद्ध स्तर पर हो रहा है, और काफी लोगों का म्यूटेशन हो चुका है, और जिनका बचा हुआ है उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। एक निर्धारित अवधि में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस सबको हम कर दें, ताकि जिनको जिनकी जिनको जमीन दी गई है उनको उसका मालिकाना हक भी मिल जाए उस पर। जी जी जी, तो ये कुछ समस्या है, आपने सही बोला है, बट उसमें विगत साल दो साल के अंदर काफी उसमें इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है, और हमको लगता है भविष्य में जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से राज्य सरकार का भी सक्रिय सहयोग मिल रहा है हम लोगों को उसमें, तो वो काम हम जल्द से जल्द पूरा कर लें। सर ये डीबीसी जो आजाद भारत की पहली घोषणाओं में शामिल थी, और इसका एक लक्ष्य था कि बंगाल और झारखंड जैसे राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए, 75 साल का समय काफी होता है जी। अभी भी लेकिन दोनों राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, तो इसमें कहाँ पे कमी रह गई है या क्या करने की जरूरत है? और मैं आपको इसका एक्चुअली जो आपने बोला कि दामोदर घाटी निगम और जो बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में नदी की बहुउद्देशीय परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो इसमें था क्या कि पहला तो था कि जो दामोदर घाटी, दामोदर नदी जो बंगाल के सौरों के रूप में जानी जाती थी, जब भी फ्लड आया, डिवास्टेटिंग हुआ,
लाखों लोग बेघर हुए, जान गया, किसान की खेती बर्बाद हुई, तो उससे पहला तो था कि उससे मुक्ति दिलाना, और दूसरा था कि उस दामोदर घाटी निगम के जो कार्य क्षेत्र है, एरिया है हमारा करीब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर ध्यान देना, न कि पूरे बंगाल और पूरे झारखंड। जैसा कि आपने कहा, ऐसी संकल्पना नहीं थी, संकल्पना थी दामोदर घाटी क्षेत्र के बारे में। तो दामोदर घाटी क्षेत्र का जहां तक सवाल है, उसमें पहला तो है कि जो सौरव था दामोदर नदी, उसको हम लोगों ने हैप्पीनेस में बदला है बहुत हद तक। जो बाढ़ की जो समस्या थी उसको काफी हद तक कम किया गया है, फ्लड वाटर आते हैं उसको काफी हद तक हम अपने चारों डैम में मॉड्यूलेट करते हैं ताकि उससे लोगों को कम से कम कठिनाई हो। दूसरी चीज जो है, उस एरिया के अंदर हमने पावर प्लांट जो लगाए हैं, और उससे आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं, आप अगर एक सर्वे करें तो इंडस्ट्रीज का जो डेंसिटी है पूरे झारखंड और बंगाल में, वो सबसे ज्यादा दामोदर घाटी निगम के कार्य क्षेत्र में है आज की डेट में। जी बिल्कुल, सारी इंडस्ट्रीज, तो उनको हम हमेशा 24/7 बिजली उपलब्ध कराने का हमारा हम लोग प्रतिबद्ध है, और उसमें हम आपको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम लोग 24/7 जितने इंडस्ट्रीज हमारे कंज्यूमर हैं हम लोग उनको उससे जो है दे रहे हैं। और इसके अलावे हाँ, इरिगेशन सबसे बड़ा एक इरिगेशन का जो काम है, हम इरिगेशन के लिए खरीफ फसल और जितने भी तीन तरह के फसल है उसके लिए हम लोग पानी छोड़ते हैं, और आज भी हम लोग उसका इरिगेशन के लिए पानी दे रहे हैं। कुछ हमने इंडस्ट्रीज को, म्यूनिसिपलिटी को भी ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करना था, वो भी हम कर रहे हैं। बंगाल में जो बिजली की बात आप किए हैं, तो बंगाल उस मामले में, बिजली के मामले में मैं कह सकता हूं कि झारखंड से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि मैं चूंकि कलकत्ता में हूं, कलकत्ता में मैं देखता हूं, झारखंड में जिस ढंग से वहां संपदा है, खनिज संपदा है, सब कुछ रहते हुए भी झारखंड में बिजली की स्थिति का जितना संतोषप्रद उसमें होना चाहिए वो नहीं है। वह उसमें मैं राज्य सरकार की भी कुछ जो उनके तरफ से भी कुछ इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे हैं पतरातू प्लांट बन रहा है, वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है पतरातू में। जी बिल्कुल बिल्कुल, एनटीपीसी और वो तो वहां भूमि अधिग्रहण और कुछ कुछ लेकर के कुछ ना कुछ उसमें चलते रहता है, तो लेकिन अब लग रहा है कि अगले कुछ महीने में पतरातू भी आ जाएगा। तो पतरातू पावर प्लांट आ जाने के बाद झारखंड की भी जो बिजली की स्थिति है वो सुधर जाएगी। लेकिन जो झारखंड का दामोदर वैली एरिया जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, आपके बिजली सप्लाई के बावजूद बहुत बड़े पैमाने पे बिजली कटौती होती है, लोगों को बहुत दिक्कत है। अब मैं उद्योगों की बात की, निश्चित रूप से उद्योगों को बिजली मिलती है, लेकिन बाकी पोषित एरिया जो है वहां पे थोड़ी दिक्कत है। झारखंड सर, मेरा सवाल एक बार मैं पूरा कर लूं। झारखंड सरकार पर डीबीसी का काफी बकाया भी है, इसको लेकर मीडिया में बहुत सारी खबरें भी आई हैं। हाल फिलहाल में इसकी चर्चा बहुत हुई, इसके पहले रघुवर गवर्नमेंट थी उस समय भी था, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। तो ये बकाया नया है या फिर इसमें कुछ और विवाद है, और ये क्या कटौती का कारण यही है कि झारखंड सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है? नहीं, इसमें दो तरह से मैं इस प्रश्न को बकाया और को मैं बाद में बताऊंगा। पहला प्रश्न आपने किया कि जो हमारा डीवीसी कमांड एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के अंदर, उसमें भी बिजली कटौती हो रही है। जी। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि हम जो बिजली सप्लाई करते हैं, हम 33 केवी लेवल तक बिजली सप्लाई करते हैं जी। और इंडस्ट्रीज को भी हम 33 केवी लेवल पर देते हैं। अभी हमने 11,000 वोल्टेज 11 केवी भी देना शुरू किया है, लेकिन आपको विदित है कि घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट और 440 वोल्ट की बिजली है। तो हम क्या करते हैं कि हम तो बिजली अपने ग्रिड से झारखंड के ग्रिड में दे देते हैं। अब बाकी जो मैनेजमेंट है कि घरों को बिजली देना,
ये मुख्यतः झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा उसका वितरण किया जाता है। तो समस्या ये है कि ओवरऑल झारखंड का जो डिमांड है, अगर पूरे स्टेट का आप देखेंगे, और जो बिजली की उपलब्धता है उसमें बहुत बड़ा गैप है। जी जी, अगर आप देखें उनका पीक डिमांड 2400-2500 मेगावाट है, और जो बिजली की उपलब्धता होती है उनका वो 1700-1800 मेगावाट से ज्यादा नहीं हो पाता है। तो हमेशा 500-600 मेगावाट का गैप है। तो मेरे को लगता है कि कुछ हद तक जो जनता को, आम लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पाती है, उसमें इसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनका जो सप्लाई और जनरेशन और डिमांड है, सप्लाई एंड डिमांड, जो सप्लाई और उनका जनरेशन, इसमें बहुत बड़ा गैप है, जिसके चलते कि इस तरह की समस्या आती है। हम देखिए, हमारा क्या है कि आप जानते हैं कि हमारे पावर प्लांट्स में सभी का अपना अपना शेयर होता है, उसके हिसाब से जो उसको पीपीए बोलते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। जी जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि झारखंड का पावर परचेज एग्रीमेंट डीवीसी के साथ केवल एक प्लांट कोडरमा के साथ। अच्छा। और कोडरमा में भी 60% ही बिजली वो हमसे उन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो अगर कोडरमा की क्षमता है 1000 मेगावाट, तो अगर 1000 मेगावाट वहां चलेगा तो उनका इंटाइटलमेंट बनता है 600 मेगावाट। जी, तो हम 600 मेगावाट तक ही बिजली देने के लिए, अगर कोडरमा 1000 चले तो हम उनको, हमारी बाध्यता है, इसके अतिरिक्त बिजली देने की हमारी कोई बाध्यता झारखंड सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी पीपीए हमारे साथ इस संबंध में नहीं है। जी जी जी। तो एक तो ये हो गया कि लिमिटेड सप्लाई है और उनके डिमांड ज्यादा है। जी जी। दूसरा, जो आपने बकाया की बात बताई, बकाया राशि कुछ तो पूर्व का भी है और कुछ वर्तमान का भी है, दोनों है, ये मिश्रण है। इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्व का सारा पैसा हमको मिल चुका था और वर्तमान का नहीं मिला, या वर्तमान का मिल गया पूर्व का नहीं मिला। तो इसमें अभी जो है करीब करीब 3700-3800 करोड़ का बकाया झारखंड के ऊपर हमारा है। जी। इसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाया है, लेट पेमेंट सरचार्ज रूल। जी जी जी। तो उसके तहत उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं। तो झारखंड ने उस स्कीम को अपनाया है और उसके तहत 34 इंस्टॉलमेंट में 117 करोड़ पर इंस्टॉलमेंट वो हमको पैसा देने का उन्होंने वादा किया है, इकरार किया है। जी जी। और उसके तहत पिछले 2 माह से हमको पैसा मिल रहा है। राइट। जैसे कि मुझे जुलाई में मिला, सॉरी अगस्त में मिला और सितंबर में मिला, और उसमें है कि हर माह के 5 तारीख के पहले पैसा आ जाना है। तो अगस्त में भी हमको आ गया समय पर पैसा और सितंबर में भी पैसा आ गया है। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि जो करंट माह का जो बिल है वो उनको निर्धारित समय पर देना पड़ेगा। तो अभी तक 2 महीने से करंट बिल भी उनका हमको मिला है, जब से वो ये स्कीम में आए हैं। यानी 1017 करोड़ जो बकाया है प्लस जो करंट का बिल होगा। 1017 नहीं, मैंने बोला 3800 करोड़ के आसपास। नहीं नहीं नहीं, जो जो इंस्टॉलमेंट तय हुआ है, जो इंस्टॉलमेंट तय हुआ है 1017 नहीं। अच्छा, 117 करोड़ प्लस करंट का बिल। हाँ, करंट का बिल और 117 करोड़ का 34 इंस्टॉलमेंट, 34 इंस्टॉलमेंट में हमको पैसा मिलेगा। तो इस योजना को उन्होंने अपनाया है, इसमें उनको पीएफसी आरईसी से सपोर्ट मिल रहा है, लोन भी मिलने की सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दिया है। तो खुशी की बात है कि वो इस स्कीम को उन्होंने अपनाया है और ये पेमेंट भी हमारा पिछले 2 माह से उन्होंने करना शुरू कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी वो करेंगे समय पर, ताकि हमारा जो बकाया है वो समय पर बकाया वसूल हो जाए और डीवीसी, हम उनकी सेवा अच्छे ढंग से कर सके।
जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि झारखंड में डीवीसी की बिजली की बहुत जरूरत है उद्योगों को भी और लोगों को भी। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और ये चूंकि आप एक विजनरी टेक्नोक्रेट माने जाते हैं, आने वाले समय में भारत का ऊर्जा परिदृश्य क्या होगा? आपने अभी बताया कि डीवीसी सोलर पे भी काम कर रहा है, ये आप सिंचाई पे भी कर रहे हैं, और आप पावर जनरेशन में तो है ही है, आपकी एक्सपर्टीज है, आने वाला समय क्या होगा? जी मैं इस पे आप बताऊंगा। आप पिछले माह जुलाई में ही हम लोगों ने पूरा देश उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य मनाया था जी जी, और बिजली महोत्सव का हम लोगों ने आयोजन किया था। देखिए सिंह साहब, अगर आप विगत 10 वर्षों में देखिएगा तो बिजली के क्षेत्र में देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब हम डिफिसिट बोल रहे थे, आज हम सरप्लस बोल रहे हैं कि हमारे पास बिजली ज्यादा है डिमांड से। पूरा राष्ट्र एक ग्रिड से जुड़ा हुआ है, एक ग्रिड एक फ्रीक्वेंसी। नेशनल ग्रिड की जो परिकल्पना की गई थी वो 2013 में फलीभूत हुआ, और कहीं से कहीं बिजली हम ले जा रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क पावर ग्रिड ने बना दिया है पूरे राष्ट्र के स्तर पर, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात हुई। दूसरी बात, मैं भी गांव से आता हूं, संभवतः आप भी गांव से आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव में जब मैं पढ़ता था हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, अब मैं गांव में जाता हूँ देखता हूँ कि गांव में भी 21-22 घंटा बिजली जो है उपलब्ध, और लोग भरपूर भरपूर उपयोग कर रहे हैं। शहरों में भी बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। दूसरा, जो एनर्जी ट्रांजिशन और पूरा विश्व नेट जीरो और हम जो है कार्बन एमिशन, इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीजें विश्व के स्तर पर हुई और भारत ने भी अपना कमिटमेंट दिया। तो ऐसा कमिटमेंट जब पेरिस समिट में हुआ था कि हम जो नॉन फॉसाइल फ्यूल से जो एनर्जी बद पावर बनाएंगे वो हम 40% 2030 तक हम वो इंडिया जो है लक्ष्य रखा था। आपको खुशी होगी कि वो 9 साल पहले 2021 में ही भारत ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और उसी का परिणाम है कि इस बार का जो समिट हुआ था ग्लासगो में, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने 450 गीगावाट को बढ़ा के 500 गीगावाट उन्होंने कर दिया। तो आने वाला समय जो होगा वो निश्चित रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में, हम तो स्वावलंबी बन ही गए हैं अपना, हमने आगे और भी हम जो है इस तरह से जो नेट जीरो और स्वच्छ ऊर्जा का दिन होगा जब हम सब देखेंगे कि सौर ऊर्जा से हो, चाहे पवन ऊर्जा से हो, या जिस तरह से हो, तो स्वच्छ ऊर्जा का एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में। और आपको पता है कि एनर्जी इज द प्राइम मूवर ऑफ द इकोनॉमी, तो जो जीडीपी रेट और जो भी माना गया है कि हम विश्व गुरु बनेगा भारत, और 5 ट्रिलियन और इसका कंट्री होगा आने वाले दिनों में देश, तो हमको लगता है उसमें बहुत बड़ा योगदान आप देखेंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र का होगा, और ऊर्जा में तरक्की भी होगी और साथ साथ क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से आगे बढ़ेगा देश। यही हमको लगता है कि बहुत भविष्य ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा उज्जवल भविष्य है भारत का। थैंक यू सिंह साहब ईटीवी भारत से बात करने के लिए। भारत को क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी प्रधानमंत्री की भी परिकल्पना है, और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि जो प्रधानमंत्री जी और ऊर्जा मंत्रालय की परिकल्पना है कि आत्मनिर्भर भारत, उसमें आपका विभाग काफी योगदान दे रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, ईटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।